नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। नए वोटर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करना लोगों को काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस भी काफी सख्ती बरत रही है। अब ट्रैफिक पुलिस के आगे हाथ जोड़ना या फिर सिफारिश करना भी नहीं चलेगा। यदि आपने नियम तोड़े हैं तो चालान भी अवश्य कटेगा। वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक पुलिस के आगे सिफारिश करना तथा हाथ जोड़ने का नजारा आज करनाल के अंबेडकर चौक पर देखने को मिला, जहां पुलिस द्वारा विशेष नाका लगाया गया था। आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर विशेष जांच भी की गई। पुलिस की रडार पर ऐसे वाहन ज्यादा नजर आए जो कि पटाखे मारते हैं। चेकिंग के दौरान कई वाहन चालक सिफारिश करते नजर आए तो कहीं चालक हाथ जोड़कर आगे से ऐसी गलती ना करने की प्रार्थना करते नजर आए, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। जिसने नियम तोड़ा या फिर जिसके कागजात पूरे नहीं थे उनका तुरंत चालान काटा गया। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज रमेश कुमार डांगे की अगुवाई में चलाया गया यह चेकिंग अभियान कई घंटे तक जारी रहा। इस दौरान दर्जनों चालान भी काटे गए। इसमें मुख्य तौर पर बिना हेलमेट, ब्लैक फिल्म लगे वाहन, पटाखे मारती बाइक रही। रमेश डांगे ने बताया कि पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार व्यापक पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग नियमों को लेकर जागरूक हो और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि पहले की तुलना में अब ऐसे वाहन कम नजर आ रहे हैं जो कि पटाखे बजाते हैं। पटाखे बजाने वाली बाइक से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालक अपनी बाइक का साइलेंसर बदलकर आवाज को तेज करवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस वाहन का साइलेंसर बदला पाया उसका भी चालान कटेगा। पहले आपको ले चलते हैं करनाल के ट्रैफिक इंचार्ज रमेश डांगे के पास। आइए आपको सुनवाते हैं वह जनता से क्या आह्वान कर रहे हैं। डांगे सर, ये यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए चालान नियम चलाए जा रहे हैं जो आप कायदे से चालान काट रहे हैं, सर कितनी एवरेज आ जाती है और कितने ऐसे लोग हैं जो नियमों की पालना कर रहे हैं या चालानों से सबक ले रहे हैं? ऐसे है जैसे हमारे SP सुरेंद्रपुर जी के आदेश अनुसार ये नियमित अनुसार रोजाना नाका लगाया जाता है, जिसमें चेकिंग करते हैं। तकरीबन अब बुलेट मोटरसाइकिलों पर बहुत फर्क पड़ गया है, पटाखे वाली बुलेट मोटरसाइकिल बहुत कम में मिलने लगी है। पहले इनका बहुत कहर था, शहर में हर एक आदमी देखता था भाई यह आगे बुलेट, कान बंद कर लेता। अब उसे एक दो बारी चलान होने के बाद, इम्पाउंड होने के बाद अब फर्क पड़ा है, इसलिए नियमानुसार यहाँ चलान किए जाते हैं और अब पहले से एवरेज में बहुत फर्क पड़ा है। डांगे सर, ये जो ई रिक्शा चलती हैं इनमें से कईयों के पास तो अपना RC नहीं है, अगर RC है तो वो लाइसेंस नहीं है तो अधूरे कागजातों के साथ चलती है, शाम होती है अंधेरा छा जाता है, इनमें लाइटें बंद हो जाती हैं, इनको लेके कड़े नियम अपनाए जाते हैं? हाँ, उसके लिए हम ना कभी कभार RSO के साथ मिलकर ये रात को चेकिंग करते हैं, जिनकी लाइटें नहीं होती हैं या कागज नहीं मिलते हैं उनको इम्पाउंड करते हैं, अगर कागज होते हैं तो उनका चालान करते हैं। तो सर, क्या ये आपका जो व्यापक अभियान है या नियमों सर आगे जारी रहेगा? हाँ, ये होली तक तो ये पटाखों वाला का, ब्लैक फिल्मों वाला का तो ये अभियान तो लगातार चलता रहेगा। वैसे नियम अनुसार हर रोज चालान किए जाएंगे, चेकिंग होगी। आपने सुन लिया कि करनाल के ट्रैफिक इंचार्ज रमेश डांगी ने क्या कहा। ट्रैफिक पुलिस नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। हो भी क्यों ना, आखिर यह हमारी जिंदगी से जुड़ा पहलू है। पुराना समय बीत गया जब हर कोई स्कूटर या बाइक को किक मारकर घर से निकल पड़ता था। उस समय इतना ट्रैफिक भी नहीं था, लेकिन अब आप खुद ही देख रहे हैं कि रोजाना भारत की सड़कों पर हाल क्या होता है। करनाल का काछवा पुल, कैथल पुल, ठंडी सड़क या फिर अस्पताल रोड हो अथवा सब्जी मंडी रोड, यहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। अब तो बस स्टैंड भी इंद्री रोड पर पहुंच गया है, फिर भी आप देखते रहोगे कि शहर के पुराने बस अड्डे के बाहर अब भी कितनी भीड़ होती है और कितना भयंकर ट्रैफिक होता है। हालांकि बस स्टैंड के स्थानांतरण के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बस स्टैंड के बाहर रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन यह सब हमारा भ्रम ही रहा। पुराने बस अड्डे के बाहर भीड़ जस की तस है। बस स्टैंड की ही क्यों, आप निर्मल कुचिया चौक, सेक्टर 6 चौक, ITI चौक ही देख लीजिए, यहाँ ट्रैफिक को लेकर स्थिति रोजाना भयावह बनी जाती है। यहाँ ट्रैफिक को लेकर स्थिति रोजाना भयावह बनी जा रही है।
यदि करनाल की सड़कों पर उतरने वाले वाहनों की रफ्तार इस कदर बढ़ती रही तो आने वाले 4-5 सालों में करनाल में ट्रैफिक की स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है सरकार को करनाल में ऊपरगामी पुलों के निर्माण के बारे में भी सोचना पड़े। ये तो थी करनाल में बढ़ती ट्रैफिक। लेकिन अब आपको बताते हैं भारत और हरियाणा में ट्रैफिक रूल फॉलो ना करने पर कितने सड़क हादसे होते हैं। हमारे संवाददाता तरुण मदान के मुताबिक कि देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि देश में प्रति वर्ष सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 62% मौतें ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 से 35 के बीच होती है। यानी देश की तरक्की में काम आने वाला लाल रक्त इन दुर्घटनाओं के जरिए सड़कों पर बह जाता है। खून से सड़कें लाल हो जाती हैं और कई घर उजड़ जाते हैं। हर साल सड़क हादसों में हमारे देश में करीब 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं, जबकि 4 लाख से अधिक लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसमें 10% लोग ऐसे होते हैं जो ताउम्र के लिए शारीरिक तौर नकारा हो जाते हैं। यानी यही 10% लोग घर के दूसरे सदस्यों के लिए किसी बोझ से कम साबित नहीं। अब रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में भी हर वर्ष 10,000 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 4,000 से अधिक जाने चली जाती है। इस सड़क हादसों में 5,000 से अधिक लोग घायल भी हो जाते हैं और यह सब या तो लापरवाही का नतीजा होता है या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने का। एक बाइक और कार चलाने वाला व्यक्ति यदि यह सोचकर वाहन चलाएगा कि सामने आने वाला चालक उसका ख्याल रखेगा तो फिर हो गया काम। जनाब आपको खुद संभलना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रैफिक रूल अपनाने होंगे। यह ना केवल आपकी जान की हिफाजत के लिए है बल्कि आपकी जेब के लिहाज से भी ठीक है। अब तो केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और भी सख्त किया है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप वाहन चलाते समय ना केवल ट्रैफिक नियमों का ख्याल रखें बल्कि इस बात पर भी नजर रखें कि आपके घर के बच्चे कहीं आपकी आंखों में धूल झोंक कर बाइक के पटाखे तो नहीं बजा रहे। अब हम आपको एक तस्वीर यह भी दिखा रहे हैं, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। यह नजारा सेक्टर 32 के नूर महल के सामने का है। देखिए किस तरह नाबालिग युवक घर वालों की आंख धूल झोंक कर उल्टे सीधे करतब कर रहे हैं। इसमें गाड़ी पलट सकती है और जान भी जा सकती है। माँ बाप को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे इस तरह के करतब भी चोरी छिपे करते हैं। जिस तरह से कार को घुमाया जाता है उससे यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जवान खून है इसलिए मरने का कोई भी खौफ नहीं है। यहाँ बच्चे अपने बाप की कार को धूल में मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं होगा कि बाहर जाकर उनके बच्चे किस तरह से अपने जीवन को खतरे में डालते हैं और तो और यहाँ बुलेट बम तक बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इन्हें रोका नहीं, पुलिस इनको चेतावनी देती है, लेकिन पुलिस की चेतावनी का भी इनके कानों पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि यह दृश्य देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि आज के बच्चे कितना खतरनाक स्टंट करते हैं, लेकिन जब भारी भरकम चालान कट सकर आपके घर पहुंचेंगे या फिर आपके बच्चे के नाबालिग होने की स्थिति में जब आप पर कार्यवाही होगी तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे ने क्या किया। इसलिए आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आप ट्रैफिक पुलिस आपको बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की नजर अब लगातार आप पर रहेगी। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले अब भारी भरकम चालान की मार से बच नहीं पाएंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।